नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एटीसी का पहला टॉपिक फिर से पढ़ेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का यूज आप जानते होंगे जनरल तरीके से। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मतलब कि फंडामेंटल एक ऐसा टॉपिक्स होता है जो कई सारे कोर्सेस में कॉमन पाए जाते हैं। जैसे हम अगर हम छोटे पैकेज की बात करें, जैसे डीसीए, एडीसीए या डीएफए या ट्रिपल सी या बीसीसी, कोई भी कोर्स करें, उन सभी कोर्सेस में अबाउट योर कंप्यूटर बेसिक होता है, जो फंडामेंटल का पहला टॉपिक है। तो आज हम जानेंगे अबाउट योर कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन, आप कंप्यूटर के बारे में जितनी भी जानकारी इसके बारे में आपके पास है, जो भी चीज़ के बारे में जानते हैं, वही उसका डेफिनेशन होता है। जस्ट एग्जाम्पल, एंड कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वी कैन सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ वर्क विद इन सम टाइम्स, कंप्यूटर हैज नो माइंड, सो कंप्यूटर वर्क According to the instruction given by operator, that is called computer. अगर आप सिंपली भाषा में कहना चाहते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके यूज से किसी भी कार्य को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। इसके पास कोई माइंड नहीं होता है, ये ऑपरेटर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर वर्क को कंप्लीट करता है। इसके बारे में जितना भी आप जाने, जितना भी बोले, वही उसका एक परिभाषा बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर। तो हम पहले ये जानेंगे कंप्यूटर की एक एक वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जिसे हम फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म कंप्यूटर का पहला वर्ड आएगा सी, सी फॉर कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य, जो हर क्षेत्र में, हर जगह, हर फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है सामान्य, यानी कंप्यूटर। कोई ऐसा ट्रेड नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर कंप्यूटर ना हो, जो हर जगह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन। ओ फॉर ऑपरेटिंग, चलता नहीं है, चलाना पड़ता है, इसको बोलते हैं ऑपरेट करना। एम, एम फॉर क्या है, ये एक मशीन है, एक यंत्र है ये। पी, पी फॉर पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है विवरण, विवरण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। हम कंप्यूटर से क्या करते हैं, बातचीत, जैसे आप मोबाइल से व्हाट्सएप करते हो या किसी मैसेज भेजते हो, मैसेज आता जाता है, ये क्या एक तरह का कम्युनिकेशन है, पार्टिकुलर। यू, यू फॉर अपडेट, कंप्यूटर 24 आवर अपडेट अपने आप को करता रहता है। जैसे एग्जाम्पल, आप जब सोते हो तो आपका दिमाग काम करता है, आप कहेंगे नहीं, नहीं सर, सोने के बाद भी हमारा दिमाग काम करता है, अगर ऐसा हुआ तो हम चल बसे होंगे। सोने के बाद मनुष्य का 24 आवर दिमाग काम करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी बंद करने के बाद भी चलता रहता है, यानी वो 24 आवर अपने आप को अपडेट करता है। एग्जाम्पल तौर पर, जैसे ये घड़ी है, अगर इस घड़ी को अभी हम बंद कर दें और एक घंटे बाद ऑन करें, तो ये टाइम क्या बताएगा, पुराना टाइम बताएगा। अगर एक मोबाइल को आप बंद कर देते हैं और एक घंटे बाद ऑन करते हैं, तो मोबाइल का टाइमिंग क्या बताएगा, वो करेंट टाइम बताएगा, क्योंकि ये क्या है, एक टेक्निकल है, मोबाइल क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, यानी कंप्यूटर हमेशा अपने आप को लगातार अपडेट करता रहता है। टी, टी फॉर टेक्निकल, ये टेक्निकल चीजों को बहुत ईजी तरीके से आपके सामने सॉल्व करता है। एंड आर फॉर एरर या एजुकेशन, ये एजुकेशन सेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, एरर यानी जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं, अगर उसकी मेमोरी में चीज नहीं होता है तो उसे गलत बताता है। एंड आर, आर फॉर रिसर्च, कंप्यूटर पर क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आप खोज करते रहते हैं। ये है आपका अबाउट कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे बोला जाए कंप्यूटर का इंग्लिश नेम, भाई कंप्यूटर इंग्लिश नेम इंग्लिश ही होता है ना, लेकिन इस कंप्यूटर का हिंदी नेम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं संगणक। क्या बोलते हैं, संगणक, कंप्यूटर का हिंदी नेम संगणक होता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा अबाउट योर कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। अगर ये टॉपिक्स आपको समझ में आई है तो लाइक एवं कमेंट्स करिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स करके उसके या कोई और चीज जानना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्ते।